हेलो फ्रेंड्स, विशाल्स कुकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही टेस्टी केक की रेसिपी। इस केक को हम बिना मैदा और बिना ओवन के बनाकर तैयार करेंगे। तो इस केक को आज हम बनाएंगे पार्ले जी बिस्किट से। तो हाँ, तो बहुत ही आसान केक की रेसिपी है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। तो पार्ले जी बिस्किट से केक बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 4 पैकेट पार्ले बिस्किट के लिए हैं, जो अभी मैंने जो 5 रुपये वाले आते हैं वो वाले पैकेट लिए हैं। तो अभी मैं 4 पैकेट को यूज़ करूँगा। तो इन बिस्किट को मैं फाड़ कर और इनको तोड़ कर मैं मिक्सिंग जार में डाल दूँगा। तो 4 पैकेट मैंने इसमें डाल दिए हैं तोड़ कर। तो आप देख सकते हैं। तो अब इसके अंदर डाल दूँगा मैं 4 टेबल स्पून चीनी। तो अगर आप मीठा कम खाना पसंद करते हैं तो चीनी ना डालें। और इसको ढक कर इसको मैं एकदम बारीक पीस लूँगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, इसको मैंने एकदम बारीक पीस लिया है। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर एकदम आटा जैसा हो गया है ये बिल्कुल। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो अब इसको मैं एक बाउल में डाल दूँगा और इसके बाद इसमें डालूँगा मैं 1 कप दूध। तो दूध डालने के बाद इसमें डालूंगा मैं 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल। आप चाहें तो मेल्टेड बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन दोनों को मैं अच्छे से तरह से मिक्स कर दूंगा। आप चाहें तो यहाँ पे वनीला एसेंस का भी यूज़ कर सकते हैं। तो बिस्कुट में ऑलरेडी किसी चीज़ का फ्लेवर है, तो यहाँ पर मैं कुछ एसेंस वगैरह यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। तो अब इसके अंदर डालूंगा मैं 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर ना हो तो आप यहाँ पे 1 सैशे इनो का भी डाल सकते हैं। तो इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। तो कई लोगों की क्वेश्चन होता है कि आपके पास विनेगर ना हो तो आप यहाँ पे लेमन जूस का यूज़ कर सकते हैं। तो आज मैं यहाँ पे लेमन जूस का यूज़ कर रहा हूँ। तो लेमन जूस ऐड करने के बाद या फिर विनेगर ऐड करने के बाद इसको हम एकदम हल्के हल्के हाथों से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसको हम इस स्पैचुला की सहायता से बीच में इकट्ठा कर लेंगे। तो किनारों का जो बैटर है उसको हटा देंगे। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर, इसकी कंसिस्टेंसी। तो इसको हम साइड में रख देंगे थोड़ी देर के लिए। अब हम केक टिन को रेडी कर लेते हैं केक को बेक करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने सबसे छोटा वाला केक टिन लिया है। तो इसको मैं रिफाइंड ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लूँगा। तो एक केक टिन का साइज जो है वो 6 इंच है। तो इसको मैंने ग्रीस कर लिया है। अब इसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून रिफाइंड फ्लावर डालूँगा, यानी मैदा डालूँगा। और इसको मैं चारों तरफ फैला लूँगा। रिफाइन फ्लावर को मैंने इसमें फैला लिया अच्छे से। तो केक टिन हमारा है वो रेडी हो चुका है। दोस्तों, बैटर को भी हम एक बार अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह इसको एक बार मिक्स कर लेंगे। तो बैटर हमारा बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हुआ है। तो इस बैटर को मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा केक टिन के अंदर। तो सारा का सारा बैटर मुझे इसमें ट्रांसफ़र कर देना है। तो बैटर को मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है। तो इसको हम बेक करेंगे। तो इसको आज हम कढ़ाई में बेक करेंगे। तो कढ़ाई में बेक करने के लिए गैस पर मैंने कढ़ाई को रख दिया है, गैस की फ्लेम को मीडियम कर दिया है। और इसमें रख दिया मैंने एक जाली स्टैंड, और इसको हम कवर कर देंगे ताकि कहीं से भी कि स्टीम जो है वो निकले ना। तो इसको मैंने 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर एकदम प्री हीट कर लिया अच्छे से। अब इसके अंदर रख देंगे हम हमारा केक टिन, और इसको हम कवर कर देंगे। तो इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पर हम इसके बेक करेंगे लगभग 50 से 55 मिनट के लिए। तो 55 मिनट तक हमें इसी तरह बेक होने देना है। तो टाइम कम ज़्यादा लग सकता है। तो मेरा केक लगभग 50 से 56 मिनट में, यानी कि लगभग 55 से 56 मिनट में बेक होकर तैयार हुआ है। तो अब इसको हम टूथपिक से एक बार चेक कर लेते हैं अंदर से ये कुक है या नहीं।
तो आप देख सकते हैं हमारी टूथपिक एकदम क्लीन आ रही है, यानी हमारा केक अब अच्छे से बेक होकर तैयार हो चुका है। तो इस केक टिट को हम बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों केक टिट को हमने बाहर निकाल लिया है, अब इसको हम ठंडा कर लेंगे। तो केक हमारा बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है, तो इसको हम लगभग आधा घंटा के लिए ठंडा कर लेंगे। तो जब तक हमारा केक ठंडा होता है, हम केक के लिए व्हिपिंग क्रीम को व्हिप करके तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एकदम चिल्ड बाउल में 1 कप व्हिपिंग क्रीम डाली है, इसी में डालूंगा मैं 1 टीस्पून वनीला एसेंस। तो यहाँ पे मैं व्हिपिंग क्रीम में शुगर का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें ऑलरेडी शुगर डली हुई है। तो अब इसको मैं बेटर से बीट कर लूँगा अच्छी तरह, तो जब तक ये अच्छे से कंसिस्टेंसी में ना आ जाए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी किस तरह बदल गई है। तो चार पाँच मिनट मैंने इसको लगातार बीट किया है। तो क्रीम को हमने अच्छी तरह फेंट लिया है। तो अब इस स्पैचुला की सहायता से इसके किनारों को मैं अलग कर दूंगा, यानी सभी को इकट्ठा कर दूंगा क्रीम को। तो अब इसके अंदर डालूंगा मैं 2 टीस्पून कोको पाउडर। अगर आपके पास कोको पाउडर ना हो तो आप यहाँ पे मेल्टेड चॉकलेट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो कोको पाउडर डालने के बाद इसको मैं अच्छे से बीट कर लूँगा फिर से। तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, यानी अच्छे से व्हिप कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो मेरी व्हिपिंग क्रीम है वो रेडी हो चुकी है, तो केक पर लगाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो अब इसको हम फ्रिज में रख देंगे। तो जब तक हमारा केक ठंडा नहीं होता, तो अब केक हमारा वो लगभग ठंडा हो चुका है। अब इसके किनारों को हम अलग कर देंगे और इस केक को हम इस प्लेट में पलट लेंगे। तो दोस्तों बहुत ही सॉफ्ट और एकदम जालीदार हमारा केक बनकर तैयार हुआ है। तो मैं आपको पास से दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट हमारा केक बना है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा हमारा केक बनकर तैयार हुआ है। तो इसको हम प्लेट में सीधा करके रख देंगे और इसको हम कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे। तो इसको हम 1-2 घंटे के लिए ठंडा कर लेंगे लगभग फ्रिज में। तो अब हम बना लेंगे शुगर सिरप, तो जो हमें केक पे लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून ठंडा पानी लिया है और इसमें डाल दिया मैंने 1 टीस्पून चीनी। तो चीनी और पानी को हम अच्छे से मिला लेंगे, यानी घोल लेंगे इसको। तो शुगर सिरप हमारा रेडी हो चुका है। तो दोस्तों केक को भी हमने कम्प्लीटली लगभग 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा कर लिया है। तो अब इसकी जो ऊपर की लेयर है हल्की सी फूली हुई है, तो इसको मैं निकाल दूंगा। तो केक के लेयर को मैंने निकाल लिया है। अब इस केक को मैं डिवाइड कर लूँगा 2 लेयर्स में। तो केक हमारा ज़्यादा मोटा नहीं है, तो इसलिए हम इसको 2 ही लेयर में डिवाइड कर रहे हैं। अगर केक ज़्यादा मोटा हो आपका, तो इसको आप 3 लेयर में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो केक को मैंने डिवाइड कर लिया है 2 लेयर्स में। तो अब जो ऊपर वाली लेयर है इसको मैं उल्टा करके रख दूँगा, देख सकते हैं इस तरह। तो इस पर अब डाल दूँगा मैं शुगर सिरप। तो शुगर सिरप डाल दिया है मैंने इस पर। तो व्हिपिंग क्रीम जिसको हमने व्हिप किया था, इसको मैंने एक पाइपिंग बैग में भर लिया है और इसका जो आगे का मुंह है इसको मैंने काट दिया है। तो इस तरह मैं क्रीम को इस पर फैला दूंगा केक स्पंज के ऊपर, और इस स्पैचुला की सहायता से मैं इसको अच्छे से स्प्रेड कर दूंगा केक के ऊपर। तो क्रीम को मैंने अच्छे से फैला लिया है, और अब इसकी जो एक्स्ट्रा क्रीम है किनारों पे उसको मैं हटा दूंगा, और अब इसके ऊपर रख दूंगा मैं नीचे वाली लेयर, यानी 2री लेयर। इसको मैंने उल्टा करके रख दिया है, और अब इस पर भी मैं क्रीम को फैला दूंगा। तो इस पर मैं क्रीम की थोड़ी मोटी लेयर बनाऊंगा, क्योंकि इस बार हमें केक को कवर करना है। तो इसके किनारों पर भी मैं क्रीम को लगा दूंगा, पूरे केक को हम कवर कर देंगे इस स्पैचुले की सहायता से। इस तरह केक क्रीम को हमें स्प्रेड करते जाना है। तो दोस्तों बहुत ही सॉफ्ट और एकदम बहुत ही टेस्टी केक बनकर तैयार होता है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों सारी क्रीम को मैंने अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। अब इस केक को उठाकर मैं किसी दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र कर दूँगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं केक को मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है प्लेट में।
तो दोस्तों इसको हम लगभग आधा घंटा के लिए फ्रिज में रख देंगे क्योंकि गर्मी का मौसम है इसीलिए। तो यहाँ पे मैंने वाइट चॉकलेट को थोड़ी सी दूध के साथ मेल्ट कर लिया है, तो लगभग 150 ग्राम वाइट चॉकलेट ली थी मैंने, जो कंपाउंड आता है वही, तो इसको मैंने लगभग 1/4 कप दूध के साथ मेल्ट कर लिया है। अब इस वाइट चॉकलेट को मैं केक के ऊपर लगा दिया है और इसको अच्छे से फैला लूँगा। तो अब इसके किनारों पर भी मैं वाइट चॉकलेट को लगा देता हूँ। तो आप अपने मन के अनुसार आप कोई से भी केक के ऊपर डिजाइन बना सकते हैं। तो इस पर मैंने अच्छे से वाइट चॉकलेट लगा दिया है। तो ये मैंने क्रीम को भर लिया, फिर से पाइपिंग बैग में एक इस पर लगा दिया स्टार नोजल। और आप देख सकते हैं इस तरह मैं इसके किनारों पर डिज़ाइन बना रहा हूँ नीचे। तो दोस्तों केक के नीचे मैंने डिज़ाइन बना दिया, अब इसके ऊपर भी मैं इस तरह डिज़ाइन बना दूंगा। तो दोस्तों हमारा केक अब एकदम रेडी हो चुका है। अब इसके ऊपर मैं डाल दूंगा थोड़े से सिल्वर बॉल्स, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो या फिर आपको मिल रहे हैं तो आप इस पर डाल सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको इसको कट करके दिखाता हूँ कि हमारा केक कितना सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। तो दोस्तों केक हमारा बहुत ही सॉफ्ट और एकदम स्पंजी है, और इसका अंदर का टेक्सचर आप देखिए। तो दोस्तों क्रीम जो एकदम परफेक्टली लगी है, इसकी लेयर्स भी आप देख सकते हैं, और अंदर का टेक्सचर बहुत ही टेस्टी लग रहा है केक। इसको मैं प्लेट में ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि केक इतना सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।